कहता क्या है, कंप्यूटर बना हुआ है कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। यहाँ से देख रहे हैं वर्ड कंप्यूटर, इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। हिंदी में इसको हम लोग संगणक बोलते हैं। 2000 साल पहले कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग हुआ वह सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हुआ था। कैलकुलेशन करने का मतलब कुछ एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये कंप्यूटर के पार्ट थे। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और आज हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसलिए इसका डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंसिस्ट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब हुआ इसमें डेटा का जो मूवमेंट होगा, जो भी इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे या आउटपुट करेंगे, वह इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में होगा डेटा का मूवमेंट, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ। दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्ड मीन्स फिजिकल एंड सॉफ्ट मीन्स लॉजिकल, जिसको हम लोग देख सकें, टच नहीं कर सकें, मूव नहीं कर सकें। हार्ड मीन्स फिजिकल कहने का मतलब हुआ जिसको हम लोग उठा के इधर से उधर कर सकें, मूव कर सकें। जैसे सपोज कीजिए अपने बॉडी को ही ले लीजिए, आप कुछ खाते हैं तो आप कुछ इन कर अपने बॉडी में इन कराने के लिए आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, उसको प्रोसेस करता है। जैसे आप कुछ खाए, अपने माउथ से क्या हुआ, उसको इन किए, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग हुआ आपका स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ये प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ। उसके बाद एनस के थ्रू उसको जो भी वेस्टेज है उसको बाहर निकाले, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। तो उसी तरह से सेम कंप्यूटर में भी आपका जो इनपुट डिवाइस होता है वह आपका हार्डवेयर होता है, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होता है एंड प्रोसेसिंग डिवाइस भी हार्डवेयर होते हैं। बट ये जितने भी हार्डवेयर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉजिकल डिवाइस भी जरूरत होते हैं। जैसे आपका ब्रेन, ब्रेन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पास करता है कि कैसे उसको इन करना है, कितना इन करना है, कितने टाइम में उसको प्रोसेस करना है एंड कैसे उसका आउटपुट निकालना है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम का एक कंप्लीमेंट्री पार्ट है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं जो दोनों मिलकर एक कंप्यूटर को क्रिएट करते हैं। अब हार्डवेयर भी तीन पार्ट में बटे हुए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस दो पार्ट हुए, पॉइंटिंग डिवाइस एंड नॉन पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब हुआ आप सी कंप्यूटर देखे होंगे, उसमें कुछ डिवाइस का जब यूज़ करेंगे तो आपके स्क्रीन पे उसका ये कर्सर बनेगा, ठीक है, पॉइंट करेगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर आइकन पे, उसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। नॉन पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें पॉइंट नहीं करता है, जैसे कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस में माउस जब आप मूव करेंगे तो सेंसर के थ्रू उसके स्क्रीन पे भी वो मूवमेंट होता है उसका कर्सर। दूसरा आउटपुट डिवाइस, ये भी दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट आउटपुट एंड हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस हुए जो कि स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराएंगे, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएंगे, जैसे आपका VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हार्ड आउटपुट डिवाइस जो आपका हार्ड कोडेड प्रिंट देंगे, हार्ड कोडेड आउटपुट देंगे, जैसे प्रिंटर। प्रोसेसिंग डिवाइस भी दो पार्ट में बटे होते हैं, ALU एंड CU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब, अर्थमेटिकल मीन्स 1, 2, 3, 4, 0 to 9। तो 0 to 9 का यूज करके जो कैलकुलेशन करे, मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को जो ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, सब्ट्रैक्ट करे, वो अर्थमेटिकल हुआ। लॉजिकल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब लॉजिकल यूनिट हुआ। तो ALU आपका ये दोनों को मिल करके वर्क करता है, मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आपके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड देयर कंपैरिजन, ये सब फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ, जो उसको
इंस्ट्रक्शन पास करें, मीन्स ये जितने भी ऑपरेशन होंगे वह विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल यूनिट बताएगा कि कौन सा डिवाइस, कौन सा डिजिट अभी आगे प्रोसेस में जाएगा, कितने अमाउंट में जाएगा, कौन सा डेटा अभी प्रोसेसिंग डिवाइस से आउटपुट डिवाइस में जाएगा। ये टोटल काम आपका कंट्रोल यूनिट का है। उसी तरह से आप सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्ट मीन्स लॉजिकल, ऑलरेडी बता चुके हैं। वेयर का मतलब डिवाइस होता है, वैसा डिवाइस जो लॉजिकल हो, मीन्स यह हार्डवेयर के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है। यह भी तीन तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब हुआ जो ऑपरेट करे, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करे, वैसा सॉफ्टवेयर जो जितने भी हार्डवेयर हैं उसको इंस्ट्रक्शन पास करे, उसको गाइड करे, कितने बिट के डेटा इनपुट होंगे, कितने बिट का डेटा प्रोसेस होंगे और कितने बिट का डेटा आउटपुट होंगे, किस मैनर में होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे, कौन सा डिवाइस इसके लिए वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाएगा, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, पेंट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र इंटरफेस के रूप में काम करता है। यूज़र कहने का मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में, हम लोग तो अल्फ़ाबेट जान रहे हैं, चूँकि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर 01 को सिर्फ समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, और हम लोग अल्फाबेट जानते हैं, ABCD 01 2 3 4 9 तक, मतलब हमारा जो भी वर्ड होता है या जो भी वर्क होता है ये इतने ही से मिलके बनते हैं। तो हम अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर को देंगे डाटा, इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, और उसके हिसाब से वो प्रोसेस करके फिर आउटपुट को फिर हमारे फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करेगा। तो यह जितने भी काम होते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं, बट यूजर का जो इंटरेक्शन होगा हमसे वह थ्रू यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स हम लोग अपने अल्फाबेट के फॉर्म में, अपने लैंग्वेज में डेटा मतलब वर्क करेंगे सॉफ्टवेयर पे, और मुझे वो जो आउटपुट मिलेगा वो भी मेरे फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे आप कीबोर्ड से टाइप किए ABCD, तो मुझे वो जो मॉनिटर है उस पर वो ABCD ही दिखे। तो यह काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, वह आपसे डेटा इनपुट लेता है, वह डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भेजता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करके फिर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही वो डिस्प्ले कराता है। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह आपका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, मीन्स यह कंप्यूटर स्टार्ट होने के साथ डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी के रूप में ये वर्क करता है। जैसे आपका पूरे डेटा का बैकअप लेना एक बैकअप सॉफ्टवेयर हुआ, आपके फ्रैगमेंट करना अपने हार्ड डिस्क का, अपने मेमोरी का फ्रैगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन, ये सब करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का हिस्ट्री, ये कैसे कैसे कंप्यूटर आया। कंप्यूटर का स्टार्टिंग हम लोग 2000 ईस्वी पूर्व मानते हैं, बेबीलोन मेसोपोटामिया में। उस समय में हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस बनाए थे, लकड़ी का एक फ्रेम था जिसमें दो हॉरिजेंटल लाइंस लगे रहते थे, हॉरिजेंटल बिट लगे रहते थे, जिसमें बहुत सारे वायर्स लगे थे और उसमें बिट्स लगे रहते थे। अभी भी मिलता है मार्केट में अवेलेबल, बच्चे लोगों के काउंटिंग के लिए वो आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये विकास, ये मार्केट में अभी भी आता है क्लासेस में बच्चों लोगों के काउंटिंग वगैरह सीखने के लिए। इसमें क्या होता है, ये सब आपका बिट्स है, ये वायर्स है जिसमें बिट्स लगे रहते हैं, और ये काउंटिंग के लिए यूज होता था। इसी को हम लोग कंप्यूटर का स्टार्टिंग मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से शुरू हुआ, और कंप्यूटर का मीनिंग ही होता है टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन, तो इसको मानते हैं कि यह कंप्यूटर का स्टार्टिंग है। उसके बाद ब्लेज पास्कल आए, उन्होंने 1642 में पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जो कि सिर्फ क्या यूज तो होता था एज ए कैलकुलेटर, मतलब कुछ कैलकुलेशन के लिए। आज भी वो हम लोग वाटर मीटर या ऑडोमीटर के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ पंच कार्ड का, पंच कार्ड एक्चुअली इसके पहले जो भी डेटा इनपुट होता था कंप्यूटर में
वह मैनुअल होता था, बट पंच कार्ड एक ऐसा डिवाइस आया जो ऑटोमेटेड कर दिया। जैसे आपको फोर इनपुट कराना है तो पंच कार्ड डायरेक्ट उसको फोर इनपुट करेगा ऑटोमेटेड, सिर्फ आपका इंस्ट्रक्शन देना है उसमें। तो ये पंच कार्ड के आने से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ वो थोड़ा ऑटोमेटेड हो गया। 1890 में आया हरमन ऑलरिथ एंड जेम्स पॉवर्स, ये दोनों ने मिलकर के पंच कार्ड बनाया। इसका काम क्या था, जो इन्फॉर्मेशन था उसको रीड करना, मीन्स आपके यूजर के इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना और उसको पंच करना कार्ड में ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प। तो पंच कार्ड के आने के बाद बहुत सारी कंपनियां सोची कि अब तो इनपुट डिवाइस मेरे पास ऑटोमेटेड आ गया तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट फास्ट होगा। उसके बाद IBM आए, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके एक कंपनी थी, उसमें रेमिंगटन बुरोग ये तीनों मिल करके पंच कार्ड का यूज करके कंप्यूटर का डिजाइन किया। ठीक है, यह कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रिकल पावर्स के थ्रू वह डिवाइस का मूवमेंट होता था, रोल करता था वो डिवाइस, उसमें व्हील्स लगे होते थे, किसी व्हील्स लगे रहते थे, किसी भी डेटा को ऐड करना है तो वह व्हील्स मूव करता था उस पर्टिकुलर डेटा को इनपुट कराने के लिए। इसका यूज करके हम लोग स्पेसिफिक नंबरों को इन कराते थे, फीड कराते थे ऑटोमेटिकली, इससे हम लोग पंच कार्ड का यूज करके जो मशीन बना, जो कंप्यूटर बना, उसके थ्रू हम लोग ऐड करने लगे, सब्सट्रैक्ट करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे एंड सॉर्टिंग करने लगे, इतने वर्क हम लोग करने लगे। फिर 1942 में जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैकुले, ये दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ये यूएसए में थे, यूएसए में आए, इन्होंने क्या किया, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया जो कि फास्ट था, मतलब पहले की तुलना में फास्ट था, डेटा का कैलकुलेशन तेजी से करने लगा था, मतलब इसमें हम लोग 8000 डेटा एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते थे, 8000 डेटा को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, इनपुट करा सकते थे, प्रोसेस करा सकते थे, आउटपुट करा सकते थे। ठीक है, इसका नाम हुआ ENIAC, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और यह 30x50 फीट के रूप में बना हुआ था, 30x50, और इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे डेटा प्रोसेसिंग के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसको मानते हैं, इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था वो मशीन लैंग्वेज था, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में यूज होता था डेटा, हम लोग जो भी भेजते थे वह मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन जो समझता है 01 इस फॉर्म में ही डेटा को इनपुट करा सकते थे। फिर ENIAC जो आया डिवाइस वह क्या था, 1000 टाइम फास्टर था प्रीवियस जो भी कंप्यूटर थे उसके तुलना में। इसमें क्या होता था, 18000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, 1800 स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस था। ठीक है, और 180000 वाट इलेक्ट्रिकल पावर पर आवर यूज होते थे, जो फर्स्ट हमारा ENIAC कंप्यूटर आया था। इसी समय में एक कोलोसस भी कंप्यूटर आया था, उसको भी हम लोग ऐसे ENIAC से जस्ट पहले वो आया था कोलोसस, उसको हम लोग फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं, बट चूंकि उसका स्पीड बहुत स्लो था, स्पेस भी ज़्यादा लेता था इसके तुलना में, और वैक्यूम ट्यूब्स, नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स भी उसमें ज़्यादा यूज होते थे, प्लस डेटा का आउटपुट एक्यूरेसी वह उतना एक्यूरेट नहीं था, मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी थे, इसके चलते हम लोग ENIAC को फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं। सिमिलरली 1950 में फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर सर्किट, ये दो चीज़ आए। मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या था, जिसमें मैग्नेटिक एक डिस्क रहते थे जिसमें मैग्नेट के लेयर लगे रहते थे और उस मैग्नेट के लेयर पर डेटा स्टोर होते थे। सिमिलरली ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज होता था प्रोसेसिंग के लिए, उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होते थे, मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट आपका प्राइमरी मेमोरी एज ए प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी के रूप में यूज होने लगा, और मैग्नेटिक कोर मेमोरी समय आया था परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, इन दोनों के आने से क्या हुआ कि पहले जो डेटा ENIAC में 8000
पर वर्ड 8000 वर्ड यूज हो रहे थे, वो बढ़ करके 64000 हो गए, और कितने समय में, 2 से 3 मिली सेकेंड में। फिर 1980 में आपका सेमी कंडक्टर चिप आया, यह जो ट्रांजिस्टर सर्किट था वो कन्वर्ट हो गया सेमी कंडक्टर चिप में। प्रॉब्लम क्या था, पहले ट्रांजिस्टर चिप का यूज़ तो हम लोग करते थे, बट वो बहुत ज़्यादा हीट होता था, हीट होने के चलते डेटा लॉस हो जाता था, सिस्टम हैंग हो जाता था, प्रोसेसिंग फिर से शुरू करना होता था, मींस बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो उसका सॉल्यूशन ये लाया गया कि उसके बाद हम लोग सेमी कंडक्टर चिप लाए। सेमी कंडक्टर कहने का मतलब कि इसमें हीटिंग कम होता था, सिलिकन चिप का रहता था सिलिकन का, और ये हीटिंग कम करता था, जिसके चलते आपका एक्यूरेसी स्पीड सब बढ़ गया। उस समय दो कंपनी थी, इंटेल एंड मोटरोला, जो मार्केट में डोमिनेटेड थे कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोडक्ट थे, कंप्यूटर बेस्ड जो पार्ट्स थे उसको बनाने के लिए, और इन लोगों ने रिसर्च कर करके सेमीकंडक्टर चिप को और एडवांस करता चला गया। उस समय में कुछ माइक्रो प्रोसेसर का भी डेवलपमेंट हुआ जो सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करते थे, और 32 बिट के डेटा को एक समय में प्रोसेस करते थे।